यार मुझे तो डर लग रहा है, अगर वाकई में कोई आत्मा हुई तो आत्मा के साथ अंताक्षरी खेलेंगे। मजाक मत कर यार, अगर सचमुच में आत्मा हुई तो? हाँ तो उससे निपटने का तरीका ढूंढ लेंगे मेरे भाई, तू टेंशन मत ले। मगर कैसे? अब यार जब आत्मा आएगी ना तो आइडिया अपने आप दिमाग में आ जाएगा, चल चलते। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तुझे डर लग रहा है? डरपोक? मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ तो चल अंदर, देखते हैं कि तू डरपोक है कि नहीं। आ जा। क्या हो गया, तू तो बोल रहा था कि तुझे डर नहीं लगता, तो चल। चल ठीक है। चल ना। यार कितना सन्नाटा है यहाँ पे। मैं कह रहा था तुझे अंदर नहीं चलते, मगर तू। ए डरपोक, तू बात बात पे ना डरना छोड़ दे, ये साइलम था, सोच एक जमाने में कितने लोग रहते होंगे यहाँ। वो वहां सुनी किसी की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज। अरे हाँ यार, आवाज तो मुझे भी आ रही है, मगर यार कोई नजर नहीं आ रहा। अब तो मुझे भी डर लग रहा है यार, ये आवाज तो बढ़ती ही जा रही है, कहीं ये आवाज हमारी तरफ तो नहीं आ रही। वो देखो कौन है। गौतम क्या हुआ अमित को? विनीत भैया कल रात हम जो वनराज नगर में पुराना मानसिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ गए थे। वनराज नगर के मानसिक चिकित्सा केंद्र, जहाँ तक मेरी जानकारी है तो बंद पड़ा, तुम लोग क्या करने गए थे वहाँ? हमने कुछ दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वहाँ पर हम एक रात गुजार सकते हैं। कितनी बार समझाया तुम लोगों को, ये बेकार की शर्तें मत लगाया करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सॉरी भैया। फिर क्या हुआ? फिर भैया किसी के चलने की आवाज आई। तुम लोगों के अलावा कोई और भी था वहाँ पर? हाँ भैया, वही देखने के लिए हम ऊपर जा रहे थे तो किसी ने अमित को धक्का दे दिया। भूत था वहाँ पे, लगता है लोग सच कहते हैं कि उस जगह भूतों का डेरा है। भैया क्या बेतुकी बातें किए जा रहे हो तुम, ये भूत भूत आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दोस्तों का प्लान होगा तुम्हें डराने के लिए, ताकि तुम लोग शर्त हार जाओ। नहीं भैया, ये उन लोगों का काम नहीं है, जरूर कुछ और ही था वहाँ पर। कुछ और? तुम्हारा कजिन गौतम अब तबीयत कैसी है उसकी? सर मेरा कजिन तो ठीक है, लेकिन उसका दोस्त अमित बहुत डरा हुआ है, लगता है कि कल रात के सदमे ने बहुत गहरा असर छोड़ा है उसके दिमाग पर। मैंने तुम्हें उसे कुछ कहना चाहिए था, कैसी उठपटांग शर्तें लगाते हैं ये बच्चे आजकल। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं सर। सर मेरी मदद कीजिए, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। एक मिनट आइए, बैठिए बैठिए, पानी लेकर आओ। बताइए क्या नाम है आपका? सर मैं जूही हूँ, मेरे पति राहुल सर कल से गायब है सर, उनका फोन भी नहीं लग रहा सर, पता नहीं कहाँ चले गए सर। पानी पीजिए। अच्छा आपके पति राहुल कल शाम से गायब है? जी सर। अच्छा कोई फोन वोन आया था उनके बारे में, किसी ने फोन किया था? नहीं कोई फोन नहीं आया। अच्छा उनके पास मोबाइल फोन तो होगा ना? जी। जरा उनका नंबर दीजिए। सर 16440-2787। लगा। अच्छा आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी अपने पति राहुल के साथ? सर कल जब वो ऑफिस में थे तब मेरी बात हुई थी सर, उसके बाद वो घर ही नहीं आए। राहुल जी काम कहाँ करते हैं? सर टिस्टो नाम की एक एड एजेंसी में। अच्छा टिस्टो एड एजेंसी में। जी सर। देखिए बिल्कुल घबराइए मत, आपके पति को हम ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर मोबाइल कंपनी से राहुल के मोबाइल का लोकेशन पता चल गया है। कहाँ पर है? सर उसका मोबाइल वनराज नगर इलाके के एक पुराने बंद पड़े असाइलम में है। वनराज नगर के असाइलम में? सर कल रात को गौतम और अमित भी वहीं गए थे। गौतम और अमित दोनों भी वनराज नगर के बंद पड़े असाइलम में गए थे कल रात, और जूही का पति राहुल उसके फोन का आखिरी लोकेशन भी वनराज नगर ही था। सारा चक्कर क्या है? वनराज नगर असाइलम। कैसी जगह है ये राहुल हमें यहीं पर मिलेगा, उसका फोन आखिरी बार यहीं पे ट्रेस हुआ है, इसी बंद असाइलम में ढूंढना होगा। फ्रेडी तुम इस तरफ जाओ। पंकज इधर मुंह मत देखा करो, जाओ जल्दी। विनीत इस तरफ जा, मैं उधर जाता हूँ। हाँ संभल के। हमेशा गलत जगह पे मुझे ही लेके जाते हैं।
निखिल भी था, उसे भी ले जा सकते थे, मगर नहीं। हॉट सीट पे मुझे ही बैठना पड़ता है। सर, सर जल्दी से आइए, सर यहाँ पे कोई है। क्या कर रहा? क्या हुआ? हाँ? सर, मैंने यहाँ पे किसी आदमी की परछाई देखी सर। परछाई देखी? चुप, परछाई देखी। चलो देखते हैं। कौन है इधर? कोई नहीं। कहीं ये राहुल तो नहीं? फोटो दिखा, उसके पत्नी ने दिया हुआ। ये राहुल ही तो है। सर, कितनी बेरहमी से इसकी गर्दन मरोड़ी है। जिसने भी किया है ना, कोई ताकतवर इंसान है। मुझे जो लग रहा है वो अगर मैं बोलूंगा तो चुप रहो। परछाई वाला आदमी वही खूनी है, वही खूनी है। सर, ये देखिए सर, ये राहुल का हो सकता है कैमरा। सर, अगर राहुल इस कैमरे से शूटिंग कर रहा था तो हो सकता है इस खूनी की रिकॉर्डिंग भी हो गई हो उसमें। चेक करो। जो दरवाजा बंद होने की आवाज है, इसका मतलब कोई तो है यहां। देखते हैं। देखो कहां से आवाज आ रही है। सर, यहां पर लाइट चल रही है, लगता है कोई रहता है यहां। हाँ, देख। Hey, उठो। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यही रहता हूँ। बीबी मर चुकी है, बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भीख मांगकर अपने पेट की आग बुझाता हूँ। आपके बेटों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? शर्म आनी चाहिए उन्हें। यहाँ पर एक खून हुआ है। खून? यहाँ इस बिल्डिंग में। क्या तुमने खून होते हुए देखा या फिर उसके बारे में कुछ जानते हो? कल मैंने कुछ लोगों का शोर शराबा सुना। शोर शराबा? हाँ, कल कुछ लोग दारू पी के शोर शराबा कर रहे थे। मुझे लगा दारू पी के ये लोग मस्ती कर रहे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे कोई लड़की आती रहती है? लड़की? वो मरी हुई लड़की, नर्स। नर्स? नर्स है वो? हाँ, वो खून की प्यासी है। वो अपना बदला लेने के लिए चारों तरफ भटकती फिरती है। खून की प्यासी आत्मा? सर, आत्मा कौन हो सकता है? ये ताकतवर इंसान जिसने इतनी बेरहमी से राहुल को मारा है। सर, फुटेज रेडी है, दिखा। पॉज करो, पॉज करो। जिसकी भी परछाई है उसने सिर पर भी कुछ पहना है, टोपी जैसे। नर्सेस के सिर पर जैसे वो टोपी होती है, उस तरह का। हाँ सर, वो बुजुर्ग आदमी भी तो बता रहा था ना कि असाइलम में एक नर्स आती है। फिर आगे प्ले करो। सर, सर राहुल किसी से बात कर रहा है। हाँ, राहुल किसी से बात कर रहा है, मगर किससे और क्या कह रहा है? निखिल, आवाज जरा साफ करो अच्छी तरह से, पता तो चले ये राहुल कह क्या रहा है और हुआ क्या है वहां पर। सर, अपंकज, क्या पता चला? सर, उस पुराने मानसिक चिकित्सा केंद्र असाइलम का पूरा इतिहास पता चल गया। क्या इतिहास है? आज से 13 साल पहले, साल 2000 में, वहां पर एक पेशेंट ने एक नर्स का खून कर दिया था। तब से लोगों में अफवाह फैल गई है कि उस नर्स की आत्मा उस असाइलम में भटक रही है। ये बात है, नर्स की आत्मा? सचिन, कोई नर्स की आत्मा वात्मा नहीं, कोई और ही है, कोई लड़की जो ये नर्स की टोपी पहनकर घूम रही है उस नर्स के आत्मा का फायदा उठाने के लिए। सर, हाँ, सवाल साफ हो गई है। सर, राहुल की आवाज तो साफ हो गई, लेकिन वो किससे बात कर रहा समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, राहुल की आवाज सुनते। महेश, तुम? महेश? राहुल ने किसी महेश का नाम लिया है, इसका मतलब है राहुल
उस महेश के साथ बात कर रहा है इस वीडियो में। सर कहीं राहुल को इस महेश ने तो नहीं मारा? हो सकता है। महेश, राहुल की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे महेश को देखकर राहुल चौंक गया। इसका मतलब है राहुल और महेश एक दूसरे को जानते थे। राहुल के ऑफिस में जाकर देखना होगा कि है कौन ये महेश। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप कौन है? जी मैं इस एजेंसी का क्रिएटिव हेड हूँ। हम लोग CID से हैं। आपके ऑफिस में राहुल काम करता था, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। राहुल हमारे लिए एड फिल्में बनाया करता था, सबसे काबिल एड फिल्म डायरेक्टर था वो, लेकिन बहुत गलत हुआ उसके साथ। वैसे आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, अक्सर इंसान के दुश्मनों की गिनती उसकी कामयाबी की सीढ़ियों की तरह बढ़ती जाती। आप हमें ये बताइए कि इस ऑफिस में राहुल का कोई दुश्मन था क्या? कोई ऐसा था जो उसकी कामयाबी से जलता था? जी बिल्कुल नहीं सर। देखिए, हम सभी यहाँ पर एक परिवार की तरह मिलजुल कर काम करते हैं। किसी की किसी से कोई ईर्ष्या या दुश्मनी नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। अक्सर लोगों को अपने करीबी लोग या दोस्तों के कामयाबी से पेट में दर्द तो होता ही है, क्यों? देखिए, मैं आपकी बात से इनकार तो नहीं करता, लेकिन राहुल की किसी के साथ कोई खास दुश्मनी नहीं थी। महेश से? महेश? कौन महेश? कौन महेश? इस एड एजेंसी में महेश नाम का आदमी काम करता है ना? जी नहीं। तो राहुल के मुंह से कभी महेश का नाम सुना? जी कभी नहीं। राहुल का कोई डेस्क तो होगा ना यार? हाँ है। क्या हम देख सकते हैं? जी आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, राहुल को वनराज नगर के पुराने असाइलम में इस एड एजेंसी ने भेजा था? जी नहीं, हमने नहीं भेजा। ये है राहुल का डेस्क। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से राहुल किसी बात को लेकर परेशान था क्या? जी हाँ, पिछले कुछ महीने से वो काफी छुट्टियाँ लेने लगा था। महीने में 4-5 छुट्टियाँ तो ले ही लेता था। और ये 4-5 छुट्टियाँ किस लिए लेता था वो? ये तो पता नहीं, मैंने कई बार जानना चाहा लेकिन हर बार वो बात को टाल गया। उसने कभी मुझे ठीक ठाक जवाब नहीं दिया। जवाब मिल गया है। ये देखिए सर, राहुल की छुट्टियाँ लेने का कारण ये रेड ग्रेप्स प्रोडक्शन। राहुल तो इस आईडी में काम करते करते इसने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया। राहुल ने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और हमें पता तक नहीं? हो सकता है सर, ये अपनी ही किसी शूटिंग के सिलसिले में उस मानसिक चिकित्सालय गया। मगर उसने हमें किसी भी बात की भनक तक लगने नहीं थी। भनक लगने देता कैसे? अगर आप लोगों को पता चलता कि राहुल खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठा है तो क्या आपकी एड एजेंसी उसे एड फिल्म बनाने देती? ये बात तो है। जरा देखो कुछ और मिलता है क्या। सर और कुछ तो नहीं। ये देखिए, ये डायरी मिली है, राहुल की पर्सनल अपॉइंटमेंट डायरी। देखते हैं आखिरी बार किससे मिला था ये राहुल। IOC, ये IOC क्या हो सकता है? ये तुम्हारी किसी क्लाइंट की कंपनी का नाम तो नहीं? जी नहीं, हमारी किसी क्लाइंट की कंपनी का नाम IOC नहीं है। चलो इस राहुल के प्रोडक्शन हाउस से पता करते हैं IOC और इस महेश के बारे में। मिस्टर सुरेश, CID, मुझसे आपके फोन पे बात हुई थी। ये IOC? सर IOC का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सर महेश तो राहुल सर का असिस्टेंट था। महेश राहुल का असिस्टेंट था? बुलाओ जरा इस महेश को। सर राहुल सर ने तो उन्हें एक महीना पहले ही नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया, लेकिन क्यों? सर वजह तो उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, पर उड़ती उड़ती खबर है कि महेश ने उनका कैमरा और उसका कुछ सामान चोरी कर लिया था, इसलिए। कहीं महेश ने बदला लेने के लिए राहुल का खून तो नहीं कर दिया? अच्छा, ये वनराज नगर के बंद पड़े असाइलम में राहुल करने क्या गया था? सर वहाँ पे कुछ शूटिंग का काम चल रहा था। कैसी शूटिंग? दरअसल राहुल सर डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे काम कर रहे थे। वे ऐसी ऐसी डरावनी जगह जाके शूट करते थे जहाँ उन्हें लगता था कि आत्माएं होंगी। आत्माओं पे डॉक्यूमेंट्री? और किसके लिए बना रहे थे ये फिल्म? सर ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को सराहने वाले बहुत लोग हैं। मगर उसी जगह पे शूटिंग करने की क्या वजह थी? सर महेश के कहने पर। तो महेश का हाथ भी है इसमें? महेश एक दिन वहाँ से कुछ फुटेज शूट करके लाया था, जिन्हें देखकर राहुल सर को लगा कि वहाँ जरूर आत्मा है। क्या हम वो फुटेज देख सकते हैं? जी सर। एक मिनट पॉज करो, इसमें भी लड़के? जरा जूम करो उस पर। देखा सचिन, कांच में लड़की का चेहरा साफ नजर आ रहा है। राहुल के वीडियो रिकॉर्डिंग में भी लड़की दिखी थी ना? हाँ सर, लगता है ये लड़की महेश से मिली हुई है और इन दोनों ने मिलकर राहुल का खून किया है। अब इन सारे सवालों का जवाब उस मानसिक चिकित्सालय से ही मिलेगा।
वो खूनी यहाँ आएगा जरूर। सर आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर आएगा? वो इसलिए पंकज क्योंकि वो खूनी यहाँ दो बार पहले भी आ चुका है, एक बार राहुल कुमार ने और दूसरी बार जब अमित और गौतम यहाँ आए थे। और उसके बार बार यहाँ आने की एक ही वजह हो सकती है, कोई तो ऐसा सबूत जरूर है जिसे वो ढूंढ कर छिपाना या तो मिटाना चाहता है। एग्जैक्टली, और अगर अब तक उसके हाथ वो सबूत नहीं लगा तो वो यहाँ फिर से आएगा सबूत मिटाने। ये देखिए खून की प्यासी नर्स। अब इसकी प्यास जेल में ही बुझेगी। ये मेन हॉल में गया, चलो। अरे अभी अभी तो इधर थी, कहाँ गई? ये तो उसी आदमी की आवाज है जो यहाँ रहता है। ऊपर चलो। ऊपर किसने किया ये? उसी नर्स की आत्मा ने, वो मुझे छोड़ेगी, मार डालेगी मुझे। कोई आत्मा वात्मा नहीं है, किसी का सोचा हुआ खेल है, आज उसके खेल को बिगाड़ के रहेंगे। पंकज इनको बाहर ले जा। विनीत इस कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो, कोई तो वजह होगी कि वो खूनी इस बुजुर्ग आदमी को मारना चाहता है। ये देखिए ये लिफाफा यहाँ पर रखा हुआ था, इस पर राहुल का नाम लिखा हुआ है। राहुल का नाम? ये लिफाफा आईओसी लैब ने भेजा। एक मिनट, राहुल की डायरी में आईओसी लैब के साथ अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा था ना? सर कहीं ये खूनी इस लिफाफे को ढूंढने तो यहाँ बार बार नहीं आता। देखते हैं इसके अंदर क्या है। What? एक लड़की की हड्डी के टुकड़े की फोरेंसिक रिपोर्ट। ये क्या नई पहेली है? एक लड़की की हड्डी की फोरेंसिक रिपोर्ट इस बुजुर्ग आदमी के कमरे में क्या कर रहे हैं? सर कहीं ये रिपोर्ट इसे राहुल की लाश के पास तो नहीं मिली और ये उठाकर उसे यहाँ ले आया? हो सकता है विनीत, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि राहुल ने मरने से पहले ये लिफाफा आकर इस कमरे में छुपा दिया उस समय जब ये बुजुर्ग आदमी इस कमरे में नहीं थे। शायद ऐसा ही हुआ होगा सर, वरना पूछताछ करने के बाद ये आदमी हमें इस लिफाफे के बारे में जरूर बताता, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। हाँ विनीत ये बात भी है, आईओसी लैब से हड्डी का टुकड़ा सारुन के साहब को भेज दिया। सर दरवाजा तोड़ दूं? अरे थोड़ी देर तो रुको। दया सर किसी को भी कम से कम दो मिनट का समय तो देते ही, हो सकता है कोई खाना खा रहा हो बाथरूम में हो, लेकिन तुम दरवाजा देखते ही घोड़े पे सवार हो जाते हो। तोड़ दूं? सॉरी सर, वो दया सर की इतनी कहानियां सुनी है दरवाजा तोड़ने वाली कि दरवाजा देखते ही बस। क्या वो? क्या बेकाबू हो जाता हूँ सर। काबू करूंगा, चलो अपनी कला दिखा। मंगेश दरवाजा तोड़ने की खुशी देखी चेहरे पे, घर तो पूरी तरह से खाली है, देखो अच्छी तरह से क्या मिलता है। सर कहीं राहुल का खून करके महेश 9-11 तो नहीं हो गया? बच के जाएगा कहाँ, इसी घर में कुछ ऐसा सुराग ढूंढ निकालेंगे जो उस तक पहुंचाएगा हमें। एक काम करो अच्छी तरह से देखो, देखो एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। सर सब महेश के कबर्ड में से ये बैग, ये ट्राइपॉड और ये स्टिल कैमरा मिला है। ये वही सामान तो नहीं जो राहुल के ऑफिस से चोरी हुआ था? असल लगता है वही सामान है ये, और इसी सामान की वजह से राहुल ने महेश को ऑफिस से निकाल दिया। सर ये देखिए, ये लड़की की फोटो मिली है और पीछे इसका नाम लिखा है, मधुमिता। ओह माय गॉड, ये तो वही लड़की है जिसे हमने असाइलम की फुटेज में देखा था। मतलब सर राहुल ने जो डॉक्यूमेंट्री की फुटेज शूट की थी पागलखाने में आत्मा वगैरह की, वो सारा फुटेज झूठा था? हां सर, मधुमिता और महेश ने दोनों ने मिलकर ये खिचड़ी पकाई है। लगता तो ऐसे ही, मधुमिता का नंबर ट्राई करके देखते हैं। फोन तो बंद आ रहा है, इस महेश का पता लगाना होगा किसी भी हाल में। एक बार ये मधुमिता हाथ लग जाए ना तो महेश तो खुद ब खुद हमारे हाथ लग जाएगा। महेश और मधुमिता,
ये महेश और मधुमिता, इन दोनों को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, मिलने चाहिए ये हमें। और फिर उस लड़की के बारे में क्या पता चला जिसकी हड्डी के टुकड़े की जांच राहुल ने इस आईओसी लैब में से करवाई थी? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। सर, इसी रिपोर्ट को चुराने के लिए वो खूनी शायद असाइलम गया होगा, मगर उसके हाथ नहीं आई। हाँ, उसे क्या पता ये रिपोर्ट हमारे हाथ में है। इस खूनी को ये नहीं मालूम कि सीआईडी वालों के लिए एक दिन की भर का सुराग भी काफी है उस तक पहुंचने के लिए। सर, इस महेश ने ही राहुल का खून किया होगा, घर पे मिला नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये राहुल घर पे नहीं मिला और उसका फोन भी बंद आ रहा है, और मधुमिता का भी तो फोन बंद आ रहा है। काम करो, इस राहुल ने जहां जहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की है ना, वहां वहां जाओ और पता लगा, देखो देखो कहां पर वो हड्डी का टुकड़ा मिला था उसे। सर, ये रहा पहला घर। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से, आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? किस बारे में? उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में जो राहुल आपके घर पे शूट कर रहा था। ओह, उसके बारे में? अक्सर इस घर की छत से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। घर की छत से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं? हाँ, उन्हीं आवाजों की जड़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था राहुल। सर, कई बार मैंने ये महसूस किया है कि हमारे मोहल्ले में बिल्ली की आत्मा भटकती रहती है। बिल्ली की आत्मा? जी सर, अभी पिछले साल की बात है, एक बिल्ली ट्रक के नीचे आ गई थी, तब से उस बिल्ली की रोने की आवाज पूरे मोहल्ले वालों को सुनाई देती है। भाई साहब, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, और ऊपर से बिल्ली की आत्मा, ये सब आपका वहम है। अमावस की रात को मैंने सामने वाले घर की छत पे एक आत्मा को टहलते हुए देखा, बहुत ही भयानक लग रही थी वो। अमावस की रात में तो वैसे भी रोशनी बहुत कम होती है, आपने किसी आत्मा को नहीं बल्कि आदमी को टहलते हुए देखा होगा। अभी तक कहीं भी कुछ भी ठोस नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये बात तो है पंकज, इसी बात को तो गुस्सा मुझे भी आ रहा है, आज के जमाने में भी लोग अंधविश्वास पे इतना यकीन करते हैं। सर, आखिरी घर सुमित का और उसकी पत्नी उदिता का बचा। सुमित और उसकी पत्नी उदिता का? हाँ सर। हाँ सर, क्या मधुमिता का फोन ट्रेस हो गया इसी एरिया में? सर, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, फिर तो इस महेश तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके सर, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। यहीं पे ट्रेस हुआ था मधुमिता का मोबाइल, दरवाजा तो खुला हुआ है। सर, चीखने की आवाज़। सर, कहीं मधुमिता? ओह माय गॉड, ये तो मधुमिता ही है। सर, राहुल का फोन करने के बाद इस महेश ने मधुमिता को विरासत चढ़ा दिया, लगता तो ऐसा ही है। कट कट, क्या हो रहा है सब? कौन है आप लोग? हाँ, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा किया जो आप खुद ही चले आए गिरफ्तार होने के लिए, दो दो खून किए आपने। एक मिनट, यहाँ पे कोई खून नहीं हुआ है, शूटिंग चल रही है। मधुमिता, उठो और बताओ इन्हें। मधुमिता! यस सर। तुम फिर से शॉट में सो गई थी? नो सर, ये लोग एक्टर नहीं है, मुझे तो लगा आपने मुझे बिना बताए सीन में कुछ बदलाव कर दिया। सर, बदलाव तो इनकी जिंदगी में अब सीआईडी लाएगी। आप लोग सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। सर, पर हमने तो कोई कानून नहीं तोड़ा, और यहाँ पर हम परमिशन लेके शूट कर रहे हैं। हमें सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया है। सब कुछ? जी हाँ, सब कुछ। ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने के बहाने ये जो अंधविश्वास फैला रहे हो ना तुम, सब कुछ मालूम है हमें कि उस पागल खाने में शूटिंग भी तुम्हीं ने की थी। मगर सर, और हमें ये भी पता है कि राहुल का खून तुमने किया है, तुमने। ये सब झूठ है, सब बकवास है। सब सारी बकवास ब्यूरो में समझ में आ जाएगी। आप मिस्टर सुमित? जी, मेरा नाम सुमित है। आप लोग मेरे बैंक से लोन के सिलसिले में आए? नहीं नहीं, लोन वोन कुछ नहीं, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कौन है सुमित? कोई नहीं, तुम बिस्तर से उठ के क्यों आ गई? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। पानी चाहिए था। तुम मुझे बुला लिया होता ना, मैं दे देता। चलो आराम करो, चलो चलो। हाँ, संभल के जाओ, आराम करो। सॉरी, दरअसल मेरी वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है? कुछ खास बीमारी नहीं है, आयरन की कमी है इसलिए थोड़ी कमजोरी है। डॉक्टर ने दवाई दी है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। लेकिन सर, सीआईडी वाले यहाँ तो सब ठीक है। मिस्टर सुमित, कुछ हफ्तों पहले एक राहुल कुमार ने आपके घर में डॉक्यूमेंट्री शूट की थी, ये पता लगाने के लिए कि आपके घर में आत्माएं हैं या नहीं। ओ, उस डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में आप लोग यहाँ आए हैं? जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि मिस्टर राहुल का खून हो गया है। व्हाट? राहुल का खून हो गया? कैसे, किसने किया ये सब? बस उसी की इंक्वायरी चल रही है,
उसी का पता लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा सुमित, आप काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप भूत प्रेत पे यकीन करते हैं? सर, किसी के पढ़े लिखे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आत्माएं नहीं होती, इसलिए तो राहुल को बुलाया था यहाँ, ताकि वो इस घर को शूट करे और उदिता का वहम दूर हो। वहम? कैसा वहम? उदिता को अक्सर इस घर में अकेले में आवाजें सुनाई देती हैं, और उसे लगता है कि इस घर में कोई आत्मा है जो डेरा डाले बैठी है। तो इसलिए आपने राहुल से कहा कि यहाँ आकर शूटिंग करे और पता लगाए यहाँ आत्मा है या नहीं? एग्जैक्टली, और जैसा कि मेरा विश्वास था, इस घर में कोई आत्मा वात्मा नहीं निकली। इसे सुमित, आपको एतराज ना हो तो हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं। सर, दरअसल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। इफ यू डोंट माइंड, ये तलाशी आप फिर किसी दिन ले सकते हैं? नहीं नहीं, बस 5-10 मिनट लगेंगे। सर, एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कोई परेशानी ना हो। नहीं नहीं, उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। इस फोटो में आप, आपकी वाइफ के अलावा ये नेहा है सर। नेहा जी यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती थी। काफी दोस्ती लगती है आपकी वाइफ की और नेहा के बीच में। आपने ठीक पहचाना, नेहा और उदिता अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट सितंबर 2012 में जब नेहा मुंबई में हमारे यहाँ रहने आई, उसके बाद नेहा और उदिता में दोस्ती और गहरी हो गई। वैसे सर, आपको किस चीज की तलाश है? कोई ऐसा सुराग जिससे इस केस की तह तक हम लोग पहुंच सकें। लेकिन सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सुराग मेरे घर पे मिलेगा? नहीं नहीं, जिन जिन घरों में राहुल ने शूटिंग की है, हम सब जगह जा रहे हैं, सिर्फ आपके घर में नहीं है, सभी जगहों पे जा रहे हैं हम लोग। ये आपके घर में तहखाना? जी सर, लेकिन वहाँ कोई खास सामान नहीं है, पुराना फर्नीचर वगैरह। मैं देखना चाहूंगा। सर, तहखाना काफी दिनों से साफ नहीं किया है, मकड़ी के जाले वगैरह होंगे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। कपड़ों की चिंता मत कीजिए, आप जरा लाइट जलाइए। जी सर, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली है, कोई खास सुराग मिला नहीं। मैंने कहा था ना सर, आपके मतलब कि कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है समित जी, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। सर, आप बेवजह हम पर शक कर रहे हैं, हमने राहुल का खून नहीं किया। हर खूनी यही कहता है कि उसने खून नहीं किया। राहुल का कैमरा तुमने चुराया, उसका बाकी का सामान भी तुमने ही चुराया है ना? चुराया नहीं था सर, बिना कहे कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया था, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करनी थी। और इसलिए राहुल ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुमने उसकी जान ले ली। आप क्या कह रहे हैं, इतनी छोटी सी वजह के लिए मैं उसकी जान क्यों लूंगा? ओहो, नौकरी से निकाल दिया वो तुम्हें छोटी सी वजह लगती है? हाँ? ये तो बहुत बड़ी वजह है, समझे? हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी वजह है। अब तुम मधुमिता, तुम्हारा क्या कहना है? सर, मुझे इस सब में क्यों फंसाया जा रहा है सर? कोई फंसा नहीं रहा है तुम्हें यहाँ पर, समझे? सर देखिए, मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे जो भी किरदार मिलता है मैं बस पूरी ईमानदारी से उसे निभाती हूँ सर। हाँ, ये तो बड़ी ईमानदारी से अपना किरदार निभाती है, इतनी ईमानदारी से कि इसे पता ही नहीं चलता वो कौन सा किरदार निभा रही है और किस लिए है ना? जानते हो उस लिफाफे में क्या है? नहीं, क्या है? इस लिफाफे में उस लड़की की हड्डी की डीएनए रिपोर्ट है जो राहुल ने लैब में भेजी थी। हड्डी की डीएनए रिपोर्ट? हाँ, हड्डी की। तो बताओ, राहुल के अलावा और किसकी जान ली है तुमने? वो लड़की कौन थी जिसे मारा तुमने? मैंने किसी की जान नहीं ली, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? तो फिर वनराज नगर क्यों गए थे असाइलम में राहुल के पीछे पीछे? हाँ, उसे डराने के लिए, पर वो सब मजाक था, सिर्फ मजाक। हाँ, मैं राहुल से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे डरा कर, उसे मार कर नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, और डराने के लिए तुम मधुमिता को लेकर गए थे ना, नर्स की आत्मा बनाकर, है ना? नर्स की आत्मा? हाँ, नर्स की आत्मा। बिल्कुल नहीं सर, महेश के साथ इससे पहले मैंने सिर्फ एक ही बार शूटिंग की थी,
और उसमें मैं नर्स नहीं बनी थी सर। हाँ सर, वहाँ मैं अकेले ही गया था, मेरे साथ कोई नहीं था। अकेले गया था मतलब कि वो परछाई नहीं थी, वो आत्मा असली थी सर। पंकज, अगर तुम अकेले गए थे तो फिर तुम कहाँ थे 25 फरवरी की रात को, बताओ। मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी सर, आप चाहे तो निशा से पूछ सकते हैं। वो तो हम पूछ ही लेंगे, पूरी पूछताछ करेंगे हम तुम दोनों के बारे में। फिलहाल तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो तुम दोनों को फिर से आना पड़ेगा यहाँ पर, समझे? जा सकते हो। थैंक यू सर। सर ये गुत्थी तो और भी ज्यादा उलझती जा रही है, अगर वो परछाई इस मधुमिता की नहीं थी तो फिर किसकी थी? पता चल जाएगा विनीत, वो परछाई किसकी थी पता चल जाएगा। ये गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझती जा रही है ये गुत्थी। सर इसका मतलब इस केस में कोई और भी लड़की शामिल है? हो सकता है। हमारे फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट कहाँ है? यस सर। ये देखो साळुंखी का रिपोर्ट, हड्डी पर जिंक ऑक्साइड के ट्रेसेस मिले थे। जिंक ऑक्साइड तो रैट पॉइजन में, चूहे मारने की दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। जरा याद करके बताओ, जब तुम लोग उन चार घरों में पूछताछ करने के लिए गए थे जहां पर राहुल ने अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की थी, तो वहां पर तुम्हें कोई रैट पॉइजन दिखा? जरा याद करो अच्छी तरह से। चूहे मारने की दवाई याद है सर, ये सुमित और उदिता के घर के तहखाने में मैंने एक चूहेदानी देखी थी। चूहेदानी थी सुमित और उदिता के घर में? अगर चूहादानी है तो चूहे मारने की दवाई भी होगी। ये सुमित और उदिता जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं हमसे। सुमित और उदिता के इंटरव्यू में एक बात गौर करने वाली है सचिन। ओके सर। जैसे उदिता ने नेहा का नाम लिया सुमित परेशान हो गया। सर लगा तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन ये नेहा तो उदिता की सहेली है ना, उसके घर पे रहने के लिए गई थी, तो फिर सुमित उसे लेके परेशान क्यों होगा? कुछ तो है सचिन जो ठीक नहीं है। ये नेहा इनके घर रहने आई थी और फिर अचानक गायब हो गई। हाँ सर, कुछ तो ऐसा है जो अब तक हमें पता नहीं चला है। उदिता ने अपने इंटरव्यू में भी ये नेहा कहाँ रहती है बताया था ना? इस सीपी कॉलोनी पुणे। पुणे? अब वहाँ नेहा के घर चलकर पता चलेगा कि माजरा क्या है। हाँ हाँ आ रही हूँ। कौन है आप लोग, किससे मिलना है? अजी हम लोग सीआईडी से, नेहा से मिलने आए। सीआईडी से? जी हाँ सीआईडी से। मतलब नेहा का पता चल गया? पता चल गया मतलब हम लोग नेहा से ही मिलने आए। मुझे लगा आपको मेरे बच्चे मिल गए। कहाँ है नेहा? पता नहीं, एक महीना हो गया लापता, ना कोई फोन ना कोई खबर, भगवान जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी नेहा को हम लोग ढूंढ निकालेंगे। अच्छा ये बताइए कि किसी ने फोन किया था आपको? हो सकता है आपकी बेटी को किसी ने अगवा किया, कोई फोन आया था? नहीं बेटा, मैं तो विधवा हूँ, किसी तरह नेहा को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। अगर किसी अगवा करने वाले का फोन भी आता ना, तो उनको देने के लिए मेरे पास पैसा है ही कहाँ। माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई हो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, दुनिया की ऐसी कौन सी बेटी होगी जो अपने माँ को इस तरह छोड़ के जाएगी, वो भी बिना बताए। माँ जी अगर आपको एतराज ना हो तो हम नेहा के कमरे की तलाशी ले सकते हैं, शायद उसके कमरे से ऐसा कुछ मिल जाए जो हमें नेहा तक पहुँचा दे। जी पंकज कमरे की तलाशी। कायम करूँ? भाई तरफ। थैंक यू। अच्छा जी बताइए कि नेहा से आपने आखिरी बार कब बात की थी? 19 जनवरी को, जिस दिन नेहा वापिस आने वाली थी। सुबह उसका फोन भी आया था, कह रही थी 12 बजे की बस से आएगी, लेकिन लेकिन वो आई नहीं। आपको क्या लगता है नेहा किसी बात को लेके परेशान थी चिंतित थी? नेहा ने खुद तो अपनी परेशानी के बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन माँ हूँ उसकी तो। आपको क्या लगता है किस बात को लेकर नेहा परेशान थी, क्या वजह थी उसकी परेशानी की? बेटा नेहा बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई शहर गई थी, उसमें कुछ बन दिखाने का हौसला था, इसलिए जब उसने कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रही है, तभी मैं समझ गई थी कि जरूर कुछ हुआ है,
जिसकी वजह से मेरी बेटी की सोच अचानक इस तरह बदल जाएगी। सर, आप अंकश। सर, यहाँ गौर कीजिए। सुमित ने नेहा के लिए एक बर्थडे कार्ड भेजा था। To my beloved Neha, happy birthday 16th July from Sumit. इस पे तो 16th July की डेट डली है। उस वक्त तो नेहा उदिता और सुमित के यहाँ रहने भी नहीं गई थी। मतलब सर, सुमित और नेहा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और शायद इनके बीच निकल। इस कार्ड को पढ़ के तो यही लगता है कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई चक्कर तो जरूर था। सर, सर उस हड्डी की फोरेंसिक रिपोर्ट जो हमें उस बुजुर्ग आदमी के घर पे मिली थी वो नेहा की तो है। हो सकता है। निकल, नेहा का हेयर ब्रश उठा लो। नेहा के बाल का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, पता चल जाएगा कि वो हड्डी नेहा की है कि नहीं। अरे सूरज सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ, अपना प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा है। अरे एसीपी सर के लैपटॉप से जो मैंने डेटा चुराया था ना, वो मैंने डीसीपी सर को भेज भी दिया है। अरे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब सही है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ सर। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, एक सीआईडी ऑफिसर, समझे? और सीआईडी ऑफिसर वही काम करता है जो अपने देश या फिर समाज के हित में होता है। सर, मैं समाज के लिए सोचता हूं सर। बस, ये अपने आप से कहो या फिर उनसे कहो जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो। पूछो अपने से कि क्या तुम वही काम कर रहे हो जो अपने देश के हित में है, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है? सर, हाँ सर, नेहा के बाल की डीएनए रिपोर्ट आ गई। सर, क्या पता चला? सर, नेहा के बाल का डीएनए और वो हड्डी जो राहुल ने भेजी थी उसका डीएनए दोनों मैच हो गए। सर, दोनों मैच हो गए, मतलब नेहा का खून हो चुका है। और जो सुमित के ऑफिस से पता चला है कि सुमित अक्सर काम के सिलसिले में पुणे जाया करता था और शायद वहीं पे उसकी नेहा के साथ दोस्ती और गहरी हो गई। तो फिर हुआ ये होगा कि नेहा पीछे पड़ी होगी सुमित के, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। और फिर उससे छुटकारा पाने के लिए सुमित ने नेहा को खत्म कर दिया। सुमित, इस सुमित के नाटक से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है। जी, आप लोग? आप कहीं जॉगिंग वॉगिंग पे जा रही हैं क्या उदिता जी? जी नहीं, बस ऐसे ही टहलने जा रही थी। अच्छा, सुमित कहाँ है जरा बुलाइए। सुमित तो घर पर नहीं है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? भला मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी? पर आप लोग सुमित को क्यों ढूंढ रहे हैं? बहुत जल्द पता चल जाएगा। श्रेया, विनीत, अच्छी तरीके से घर की तलाशी लो। लेकिन अरे, आप लोग पहले इस घर की तलाशी ले चुके हैं तो अभी दोबारा? क्योंकि इस बार हमें यकीन है कि हमें वो सबूत मिल जाएगा जिससे हम साबित कर सकें कि आपके पति सुमित जी एक खूनी है। क्या? सुमित और खूनी? ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपको याद है नेहा गायब हो चुकी है? हाँ, मुझे पता है, मगर सुमित का इन चीजों से क्या लेना देना है? क्योंकि वो गायब नहीं है, उसका खून हुआ है और सुमित ने मारा है उसे। सुमित ने नेहा का खून किया? ये सब आप क्या कह रहे हैं? ये
मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। सर। हाँ विनीत। सर नीचे आइए प्लीज। हाँ विनीत। सर ये देखिए सर। इतना सारा खून। सर लगता है कि नेहा की लाश के टुकड़ों को यहीं पर रखा गया होगा। ये सब क्या है? वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या ये सब? मुझे कैसे पता होगा? मैं नहीं जानती कि ये सब यहाँ कैसे आया। एक लड़की नेहा जो आपके घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती है, आपकी सबसे अच्छी सहेली है, वो अचानक गायब हो जाती है, आपको कुछ पता नहीं चलता? सर लेकिन उदिता, उदिता, अरे आइए आइए सुमित जी, आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग। आप लोग फिर से? बस आखिरी बार आपके घर पे, इसके बाद तो जेल में ही मुलाकात होगी आपसे। जेल में? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहे हैं, नेहा का बेदर्दी से खून कर दिया और आप भोले बन रहे हो। क्या? नेहा का खून हो गया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों उसे मारूंगा, वो तो मेरी अच्छी दोस्त थी। दोस्ती पे जब प्यार का रंग चढ़ता है ना, तो जिंदगी में तूफान आ जाता है। देखिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर सुमित, तुमने जो नेहा को प्यार भरा ग्रीटिंग भेजा था, वो हमारे हाथ लग चुका है। सुमित क्या बोल रहे हैं? कौन से ग्रीटिंग कार्ड की बात कर रहे हैं ये लोग? उदिता इन पर विश्वास मत करो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? सर सही देखिए, अंदर से ये नर्स के कपड़े मिले। नर्स के कपड़े? ना तो ये नर्स है और ना ही आप नर्स हैं सुमित जी, तो फिर ये नर्स के कपड़े कौन पहनता है? भूल गए विनीत, राहुल के खूनी ने भी नर्स के कपड़े पहने हुए थे। सर और तो और ये मार्शल आर्ट्स के कपड़े भी मिले ब्लैक बेल्ट के साथ। ओ, तो आप मार्शल आर्ट भी जानते हैं? नहीं नहीं सर, मैं मार्शल आर्ट नहीं जानता, वो तो उदिता जानती है। उदिता जी आप मार्शल आर्ट जानती है? और एक मार्शल आर्ट जानने वाला ही राहुल की इतनी बेदर्दी से गर्दन मरोड़ सकता था। खेलकूद का टाइम खत्म हो गया। क्यों किया ये सब? नेहा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए नेहा जब पुणे से मुंबई आई तो मैंने उसे अपने घर पे रहने दिया और बदले में उसने क्या दिया? उससे मेरा पति छीन लिया। लाश कहाँ है नेहा की? पीछे गार्डन में दफनाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में जो आवाजें हैं वो नेहा की आत्मा की है। आत्मा की नहीं, तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज है। तुम्हारा गिल्ट, आत्मग्लानी तुम्हें तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक तुम्हारे किए की सजा तुम्हें नहीं मिल जाती। शायद फांसी होगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।